पिछले वीडियो में आपने जैसे कि देखा कि कैसे पेड़ पौधे यानी ट्रीज आपस में बात करते हैं, तो वो सब तो था एक ब्राइट साइड, और मैंने इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ डार्क साइड यानी उस वीडियो का पार्ट 2। तो अगर यानी आपने वो पार्ट 1 नहीं देखा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप उसको सबसे पहले देखिए, उसके बाद इस वीडियो पर आइएगा, तभी ये पार्ट 2 आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स सी द डार्क साइड बिहाइंड द डज ट्रीज कम्युनिकेट टू ईच अदर। एक बहुत ही शॉकिंग फैक्ट उस रिसर्च में पता चला, और वो फैक्ट ये था कि जिस तरह हर एक अलग अलग इंसान का अलग अलग पर्सनैलिटी होता है, तो उसी तरह कुछ पेड़ों को यानी हर अलग अलग पेड़ का भी अलग अलग पर्सनैलिटी होता है। और AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी अच्छे और बुरे आने वाले हैं, ऐसा होता है। तो इसी तरह मतलब बिल्कुल सेम तरीके से पेड़ों में भी कुछ अच्छे पेड़ और कुछ बुरे पेड़ भी होते हैं। कुछ ऐसे पेड़ होते हैं जो बाकी ट्रीज की हेल्प करते हैं, और जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी भी हेल्प करते हैं मरते दम तक। और वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी पेड़ होते हैं जो न्यूट्रिएंट्स को चुराते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तरीके, अगर किसी पेड़ में पानी डाला तो वो गंदे पेड़ यानी वो बैड ट्रीज उस पानी को खींच लेते हैं, और ज़रा सा भी दूसरे पेड़ों के साथ उन न्यूट्रिएंट्स को शेयर नहीं करते हैं, क्योंकि उनके लिए सिर्फ उनकी सर्वाइवल बहुत ही ज़रूरी होती है। पर ऐसे जो बुरे पेड़ जो होते हैं वो बहुत ही कम एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि ये जो अच्छे पेड़ हैं उनकी क्वांटिटी बुरे पेड़ों से ज़्यादा। नहीं तो अगर बुरे पेड़ों की क्वांटिटी अगर अच्छे पेड़ों से ज़्यादा हो गई तो यहाँ इस धरती पर पेड़ों का टिकना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हर पेड़ सिर्फ अपने बारे में सोचेगा और किसी के बारे में नहीं। तो कुछ ही ट्रीज रहेंगे जो बचेंगे, वो भी ज़्यादा नहीं, और वो लोग भी कुछ ही समय तक टिक पाएंगे। जब पेड़ पौधे एक फैमिली ग्रुप में बहुत दूरी तक फैले हुए होते हैं तब वो और भी स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। जैसे कि ये जंगल देखो, ये एक फैमिली ग्रुप है और यहाँ पर सारे पेड़ एक जैसे ही दिखते हैं। इसमें इस वीडियो में आपको सारे पेड़ एक जैसे दिख रहे होंगे। तो ऐसे जो जंगल होते हैं तो उनके अंदर एक काइंड ऑफ ऐसी फीलिंग होती है, उनके आसपास जो भी पेड़ हैं जो कि हमारे जैसे नहीं दिखते, तो उनको उन्हें अपने बीच में नहीं लाना, इसीलिए वो उन पेड़ों को उगने से ही रोक देते हैं, उनके जड़ों की जगह अपने जड़ों को ला देते हैं और सारे न्यूट्रिएंट्स वाटर वगैरह को अपने तरफ खींच लेते हैं, ताकि वो जो पेड़ है जो कि उनके जैसा नहीं दिखता वो ग्रो ना हो पाए और दूर तक अपना एम्पायर खड़ा करना। अभी तक तो आपने सिर्फ रियल फैक्ट्स को जाना, लेकिन अगर हम थ्योरीज की बात करें तो कुछ थ्योरीज ऐसा भी प्रूव करती हैं कि पेड़ों के पास एक निर्णय लेने की भी शक्ति होती है, यहाँ तक कि स्मरण शक्ति भी होती है, यानी कि वो काइंड ऑफ इंटेलिजेंट होते हैं। हालांकि ये एक थ्योरी है, लेकिन अगर इस चीज को अच्छे से गहराई में जाकर देखा जाए तो ये पेड़ ज्यादा नहीं बल्कि कुछ तो इंटेलिजेंट होते ही हैं, क्योंकि खाना शेयर करना, अपना एम्पायर खड़ा करना, ये सब के लिए कुछ तो इंटेलिजेंट चाहिए ही। अब तक आपने पेड़ों के बारे में तो सब जान लिया, लेकिन क्या आप पूरा का पूरा समुद्र एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, मतलब एक जीवित प्राणी है। अगेन अगर इस बात को ना आप लिटरली मत ले लेना कि आप पूछने लगोगे इसका मुंह कहाँ है, कान कहाँ है, नाक कहाँ है। समुद्र जिंदा इसलिए है क्योंकि वाटर यानी पानी जीवित है। डॉक्टर मसारो के एक्सपेरिमेंट के बारे में क्या आपको पता है? एक पानी से भरे ग्लास के सामने अगर आप आई लव यू बोलो और उसके क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म को उसको माइक्रोस्कोप से देखोगे तब वो कुछ ऐसा फॉर्म बनाता है जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, और अगर आप पानी के बारे में कुछ खराब बोलते हो कुछ ऐसा फॉर्म बनाता। पानी अपने सिमेट्री को हमेशा बदलते रहता है और हर बार ऐसा ही होता है। तो अब आप ये सोच रहे होंगे ये क्या बताता है हमें? तो दोस्तों हमें ये चीज़ बताता है कि पानी के अंदर शायद अवेयरनेस हो सकता है। अगर आप पानी के बारे में कुछ बोलते हो या फिर उसके बारे में कुछ सोचते हो तब तो वो रिएक्ट करता ही है, लेकिन उसके आसपास जो म्यूजिक बज रहा है और आसपास की उसकी सिचुएशन कैसी है उस पर भी वो पेड़ रिएक्ट करता है। और ये भी एक फैक्ट है कि धरती पर जीवित यानी जीवन की शुरुआत पानी से ही, मतलब बल्कि पानी के अंदर से ही हुई। तो इसका मतलब ये है कि हम लोग पानी के वंशज हैं, पानी जीवित है। ये फैक्ट ज़्यादातर लोगों को हजम नहीं होगा, तो इसको ना समझने के लिए आपको अपना दिमाग खोलना होगा। लिटरली अब अपने आप अपने दिमाग को खोलने मत बैठ जाना। मैं मतलब हर चीज़ को समझने के लिए मैं आपको कह रहा हूँ, मतलब कि आपको ये मानना होगा कि हाँ कुछ ऐसा भी हो सकता है। एक्सपैंड योर माइंड, तभी आप साइंस के बियॉन्ड जा सकते हो, क्योंकि ऐसी भी कई चीज़ें हैं जो कि विज्ञान यानी साइंस बहुत वर्षों बाद यानी बहुत ही ईयर्स बाद डिस्कवर करेगा। एक ह्यूमन ब्रेन के बारे में आपको पता ही होगा कि एक ह्यूमन ब्रेन में बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं, और उनके अंदर एक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है जिसे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कहते हैं, जो कि आपने अपने स्कूल के दिनों में पढ़ा ही होगा। तो जिस तरह का नेटवर्क आपके दिमाग यानी ब्रेन में होता है
तो सेम उसी तरह का नेटवर्क एक समुद्र साइंटिस्ट को अपने रिसर्च में ये पता चला कि समुद्र में बैक्टीरियल नैनोवायरस नाम के बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं और इसकी नेटवर्क पूरे समुद्र में इस तरह फैली हुई होती है जैसे कि हमारे दिमाग में यानी हमारे ब्रेन में न्यूरॉन्स का नेटवर्क फैला हुआ होता है। तो इस बात का तो ये कंक्लूजन निकलता है कि समुद्र में भी कुछ टाइप का इंटेलिजेंस होता है, पानी जिंदा है। अगर आप इस फैक्ट के और अंदर जाना चाहते हैं तो बाकी थ्योरीज ये कहती हैं कि पानी के अंदर भी मेमोरी होती है यानी कि वो चीज़ों को याद भी रख सकता है। इसे वाटर मेमोरी का भी नाम दिया गया और आप बहुत कुछ इसके बारे में विकिपीडिया पर भी पढ़ सकते हो और विकिपीडिया तो एक ट्रस्टेड वेबसाइट है ही। और वाटर के मॉलिक्यूल के अंदर बहुत सारी वाइब्रेशंस होती हैं। और क्या आपको पता है कि खाने के पहले हमें अपना मन शांत करने के लिए प्रार्थना क्यों करनी चाहिए? जो पानी और खाना जो आप फाइनली कंज्यूम करते हो तो क्या आपको पता है कि वो कहाँ से आता है? तो ये देखो, सबसे पहले तो किसान उसे उगाता है और आप जानते ही हैं किसानों की हालत अच्छी नहीं होती है। अगर हम ऑनेस्टली आज कल के किसानों को देखें तो उनकी नेगेटिव एनर्जीज उस फूड में जाती है और पानी भी कई जगह सप्लाई होकर आपके घर तक आ पाता है। अच्छे और ख़राब वाइब्रेशन वो अपने साथ लाता है, मतलब वो नेगेटिव और पॉजिटिव वाइब्रेशन वो अपने अंदर कैरी करता है। और डायरेक्ट खाने के बदले अगर आप कुछ मतलब प्रार्थना करते हो तो उसकी एनर्जीज जो वो वाइब्रेशन रहती है वो एकदम बढ़ने लगती है और कुछ पॉजिटिव एनर्जी आके उसमें आ। ये सब जो चीज़ें मैंने आपको पार्ट वन और पार्ट टू में बताई ये हमें ये बताता है कि साइंस अभी भी बहुत पीछे है। अभी भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में विज्ञान यानी साइंस अभी तक समझ नहीं पाया। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर पसंद आया तो लाइक तो ज़रूर कर ही देना और अगर आप अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को भी ऑल पर सेलेक्ट कर देना ताकि जब भी हमारी न्यू वीडियो आए आपको मिल जाए तुरंत नोटिफिकेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस अमेजिंग वीडियो।